वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का कहना है कि मैं अपनी ज़िंदगी की ज़मानत नहीं दे सकता तो नवाज़ शरीफ की ज़मानत कैसे दे सकता हूँ। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ननकाना साहिब में बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी की तकरीब से ख़िताब के दौरान वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा कि तालीम के बग़ैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। माजी में बदकिस्मती से तालीम को तरजीह नहीं दी गई। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी में जदीद तालीम भी दी जाएगी। सबसे ज़्यादा करप्शन अवकाफ़ की ज़मीनों पर हो रही हैं। हर दरगाह के पास अवकाफ़ की ज़मीन पर यूनिवर्सिटी और अस्पताल बनाई जाए। अमीर लोगों को उनकी औलाद भी भूल जाती हैं लेकिन दुनिया इंसानियत की खिदमत करने वालों को याद रखती हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि कानून की बालादस्ती ना हो तो कौमें आगे नहीं बढ़ती। तरक्की याफ्ता ममालिक में सबके लिए एक कानून है लेकिन हमारे मुल्क में अमीर और गरीब के लिए अलग अलग निज़ाम है। माजी में मदरसों में तमाम मज़ाहिब के अफराद तालीम हासिल करते थे। मुग़ल दौर में अशरफिया दिल्ली के दो मदरसों में तालीम हासिल करते थे। मुल्क में यकसा तालीमी निज़ाम हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। मुल्क में अशरफिया और आम आवाम के लिए अलग तालीमी निज़ाम है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अदालत की जानिब से वफाकी और सूबाई हुकूमत से पूछा गया कि क्या हम नवाज़ शरीफ की ज़िंदगी की गारंटी दे सकते हैं। पंजाब की हुकूमत ने नवाज़ शरीफ को सेहत की बेहतरीन सहूलतें दी हैं। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, इंसान की ज़िंदगी की ज़मानत नहीं दे सकते।